गुड सो मॉर्निंग. वेलकम वेलकम टू दिस ग्रुप एंड थैंक यू सो मच फॉर लेंडिंग अस योर टाइम. नो, प्लेजर. दिस सीमा सिंह, हु इज द हेड ऑफ डायट्रिक्स एंड न्यूट्रिशन, एंड गुड शी मॉर्निंग कंसेंटेड मैम. टू बी विद मी इन दिस इम्पोर्टेंट वेबिनार व्हिच डील्स प्रेडोमिनेंटली अबाउट डाइट. एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल योर मेंबर्स ऑफ योर ग्रुप. शुड बी वेट अ बिट लॉन्गर? I think we should wait for like 3 to 4 minutes, Yeah. a 5 minute buffer, and let everyone join, and then we'll start up with the session. Absolutely. I think we should now start. We have enough number of people, and the rest will be there. They'll join us. Okay, so good morning, everyone. Welcome to the webinar on safe immunity booster foods for kidney patients. We have Dr. Sanjeev Gulati with us, assisted by Mrs. Seema Singh, who's a nutritionist and dietitian. So they'll start up with the session, and later we can have a question answer round. Whatever you have any doubts, you have any issues, you can go ahead with your question. Sir, I request you to please head over okay. the session now. Good morning, everybody. Today we are going to talk about a very important aspect of diet in kidney disease, with special emphasis on foods which will boost your immunity. Should I use a mix of English and Hindi and English? That's fine. Yes, sir. Sir, mostly, sir, I would request mostly Hindi because So, kidney disease wale patients kya khana kha sakte hain aajkal coronavirus pandemic ke dauran, jisse unki immunity boost ho aur yet वो जो उनके बायोकेमिकल पैरामीटर्स हैं वो डिरेंज रहे. तो पहली बात तो किडनी के डाइट इन किडनी डिजीज़ पे ही इतना कंफ्यूजन रहता है कि ज्यादातर पेशेंट्स सब खाना छोड़ के बैठ जाते हैं जब मेरे पास आते हैं. और एडवाइस वो किससे ले रहे होते हैं? एक डॉक्टर या एक न्यूट्रिशनिस्ट के सिवाय बाकी सब लोग में होते हैं उनके घर वाले, उनके अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, जो सब एक्सपर्ट बन जाते हैं. और सबके कॉमन एडवाइस होती है कि सारा खाना बंद कर दो. तो ये सरासर गलत है, क्योंकि जब आप बीमार हैं आपकी बॉडी को कुछ बैलेंस न्यूट्रिशन तो चाहिए बीमारी से लड़ने के लिए. ये एक तरह से यही मानना है कि जैसे अगर आप कार में बैठे और पेट्रोल नहीं डालेंगे तो कार चलेगी कैसे, और अगर आपने कार को ज्यादा तेज चलाना है तो थोड़ा ज्यादा उसमें पेट्रोल चलना चाहिए, न्यूट्रिशन ज्यादा अच्छी होनी चाहिए. तो हमने क्या किया है कि दो पार्ट से, पहले पार्ट में मैं आपको जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ किडनी न्यूट्रिशन एंड किडनी डिजीज बताऊंगा, और फिर उसके बाद सीमा जी आपके साथ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स पे शेयर करेंगी कि क्या चीज आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं.
सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर रहेगा कि देखिए किडनी डिजीज डिफरेंट सिवेरिटी की होती है, जैसे आप लोगों ने सब जानते होंगे स्टेज वन टू स्टेज फाइव, तो कुछ किडनी पेशेंट्स होते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज के, कुछ डायलिसिस पे होते हैं और कुछ डायलिसिस से आगे मूव ऑन करके ट्रांसप्लांट पे हो जाते हैं, तो सबके लिए अलग अलग थोड़ी रिकमेंडेशंस रहती हैं। बाय एंड लार्ज ट्रांसप्लांट पेशेंट्स की डाइट और बाकी डाइट में कुछ ज्यादा अंतर नहीं रहता है, तो ये सबसे सेफ रहते हैं, मतलब इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं टू द मिनिमम रहेंगी। जो डायलिसिस पेशेंट्स हैं उसमें डेफिनेटली काफ़ी रिस्ट्रिक्शन रहती हैं, पानी की ज़्यादा और कुछ डाइट की, और क्रॉनिक किडनी डिजीज भी सिवियरिटी पे डिपेंड करती है, अगर स्टेज वन और स्टेज टू है तो बहुत मिनिमल रिस्ट्रिक्शन, स्टेज थ्री पे थोड़ी बहुत, स्टेज फोर और स्टेज फाइव पे रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी रहती हैं। तो हम लोग फिर स्टार्ट कर, ये कहना है ये होस्ट शेयरिंग एनेबल करते हैं, शेयर स्क्रीन सो दैट मैं स्लाइड प्रेजेंट करूंगा। यस सर प्लीज गो अहेड। डिसेबल्ड आ रहा है, जो आपके होस्ट हैं उनको हमारा स्क्रीन शेयर एनेबल करना पड़ेगा, अभी डिसेबल आ रहा है, डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। जस्ट अ सेकंड सर, आई विल जस्ट विदेश। हाँ हो गया, स्लाइड्स दिख रही है सबको? आप सब लोगों को स्लाइड्स दिख रही हैं? यस सर विजिबल। ओके यू कैन हियर मी मुझे का ओके। सो अभी फर्स्ट हाफ में हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डाइट इन क्रॉनिक किडनी डिजीज। ये देखा गया है कि किडनी वाले पेशेंट्स में मैल न्यूट्रिशन यानी प्रोटीन एनर्जी वेस्टिंग बहुत कॉमन है, और इस पे बहुत सारी रिसर्च भी हुई है, और अगर ये प्रोटीन एनर्जी वेस्टिंग रहती है तो आपको बाकी इन्फेक्शंस ज़्यादा रहेंगी, रिस्क ऑफ डेथ रहता है, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी ऐसे पेशेंट्स में जिनमें प्रोटीन एनर्जी वेस्टिंग रहती है उसमें कमज़ोर हो जाती है, यानी आप बहुत कमज़ोर फील करेंगे, काम नहीं कर पाएंगे, बाहर घूमना, तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्टेड है, और ये अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि बहुत लोगों को क्लियर ही नहीं है कि क्या खाना है, और आमतौर पर लौकी घिया टिंडे तोरी खाते रहते हैं, उबला हुआ खाना खाते हैं, जो कि आप जैसे हम आपको बताएंगे कि ज़्यादातर खाने आप लोग खा सकते हैं। ये जो प्रोटीन एनर्जी वेस्टिंग है इस पर स्टडीज हुई हैं, लगभग 12-18% इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में जहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है डाइट की और उनकी डाइट काफ़ी हद तक हमारे से न्यूट्रिशनली बेटर है, कहते कुछ स्टडीज में तो 75% का भी रहा है, यानी 3/4 इंडिया से जो ज़्यादा स्टडीज हैं वो इधर आ रही हैं, और जब तक हमारे पास पेशेंट आता है क्रॉनिक किडनी डिजीज का वो एकदम स्किन एंड बोन्स रहता है, यानी हड्डी और हड्डियां ही रह जाती हैं, वो क्योंकि इसीलिए क्योंकि सब कुछ खाना बंद किया हुआ होता है और जनरली विदाउट एनी सुपरविजन विदाउट एनी मेथ्स, और कुछ फिजिशियंस जो हैं हमारे उनको भी इतनी अवेयरनेस नहीं है क्योंकि वो किडनी स्पेशलिस्ट नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें नई रिसर्च आती है कि क्या आप खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं। तो ये है प्रोटीन एनर्जी वेस्टिंग कमजोरी, और इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे अगर आप डायलिसिस पे हैं तो अगर आपको हार्ट डिजीज है डायबिटीज है किडनी डिजीज सीवियर है तो खून में जहर बढ़ जाता है, बार बार इन्फेक्शन हो रही हैं तो उससे भी एक विशेष सर्कल बन जाता है, इन्फेक्शन आपको कमजोर करती है ज़्यादा उस पर वेस्टिंग होती है और फिर फर्दर इन्फेक्शन होते हैं, और कुछ ब्लड में मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, एसिड बढ़ जाता है, क्योंकि किडनी का काम है खून में से जहर निकालना पानी निकालना, तो ये सब चीज़ें अगर किडनी कमज़ोर होगी तो वो बढ़ जाएंगी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखे हैं, एक तो नंबर वन इन्फेक्शन, आप योर बेस्ट डिफेंस आपके इन्फेक्शन के अगेंस्ट है आपका प्रोटीन लेवल एल्ब्यूमिन लेवल, और अगर आप प्रोटीन ही खाना बंद कर देंगे तो एल्ब्यूमिन कम होगा और इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होगा, ऐसे लोगों को हार्ट डिजीज भी ज़्यादा होती है,
डिप्रेशन होता है और फ्रेलिटी यानी कमजोरी, चलना फिरना बंद हो जाता है। तो डाइट अच्छा लेना बहुत जरूरी है, और अगर आप अच्छी डाइट लें तो ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर पाएंगे। हमारे पास, मेरे पास क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं, एक बच्चा है जो अब मैं पिछले 16 साल से फॉलो कर रहा हूँ, उसको CKD स्टेज 4 है और उसकी ओवरऑल कंडीशन इतनी अच्छी है कि साल में एक बार वो वैष्णो देवी की यात्रा करता है पूरी पैदल, जो शायद मेरे लिए करना कठिन है, लेकिन उसका हीमोग्लोबिन परफेक्ट रहता है, कभी 11 से नीचे हीमोग्लोबिन नहीं गया और एल्बुमिन लेवल 3.5-4 रहता है। वो अपने डिस्ट्रिक्ट की क्रिकेट टीम में भी है और ऑब्वियसली ही इज वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, इंजीनियर है, अपने अपने आप को और अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है, तो उसकी जो एक्टिविटी लेवल है हमारे से शायद ज्यादा ही होगी। और उसके सीक्रेट यही है कि वो उसकी डाइट बहुत अच्छी बैलेंस है, ऑब्वियसली मेडिसिन भी रेगुलरली ले रहा है। तो हम ये बड़े तरीके होते हैं जिस तरह ये मॉनिटर करते हैं, बट सो दिस इज डन बाय अ टीम ऑफ नेफ्रोलॉजिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। तो हम डाइट डायरी रखते हैं कि आप क्या खा रहे हैं, उसको 3 दिन रिकॉर्ड करें ताकि आप प्रोटीन और क्रिएटिनिन करें, कुछ मेजरमेंट्स लेती हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट, उनके पास कुछ कैलिपर्स होते हैं, टेप्स होते हैं, बोन डेंसिटी करते हैं, कर सकते हैं, कुछ चार्ट से हम आपका मल्टीपल लेवल, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होते हैं, इन सब से पता चलता है कि आपका प्रोटीन एनर्जी वेस्टिंग है या नहीं। तो एक रेगुलर फॉलो अप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ रखें और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ रखें और उनको फॉलो करें। तो ब्लड टेस्ट, बॉडी मास एस्टिमेशन, मसल मास चेक करते हैं, डाइटरी इनटेक चेक करते हैं, ये चार चीजें हमें बताती हैं कि आप, जैसे सीरम एल्बुमिन अगर लेस देन 3.8 है तो आपको न्यूट्रिशन वेल न्यूट्रिशन हो रही है, अगर बहुत लो कोलेस्ट्रॉल हो रहा है विदाउट एनी मेडिकेशन ये भी एक इंडिकेशन है, अगर मसल मास रिड्यूस हो रहा है, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स कम है और आपकी इनटेक अनइंटेंशनल लो डाइटरी प्रोटीन इनटेक, स्पेशली डायलिसिस पे जो लोग हैं, हमारे देश में एनर्जी बहुत, एनर्जी इनटेक कम है, कैलोरीज कम ले रहे हैं, तो ये सब इंडिकेटर्स हैं। तो अब हम बताएंगे प्री डायलिसिस, यानी जो डायलिसिस पे नहीं है उन पेशेंट्स के लिए क्या गाइडलाइंस है, गोल्स क्या है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के। पहला है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। देखिए, आप ऑलरेडी एक बीमारी से सफर कर रहे हैं, उसके आप अगर आप न्यूट्रिशन अच्छी नहीं लेंगे तो आप अपने आप को और कमजोर करेंगे। कुछ इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस हो जाती है क्योंकि किडनी का बहुत अहम रोल होता है बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट यानी केमिकल्स का बैलेंस बनाना, और इनमें जो दो प्रमुख चीजें हमें रहती हैं, नंबर 1 पे पोटेशियम और नंबर 2 पे फॉस्फोरस, इसके साथ साथ और भी इम्पोर्टेंट हैं, बट ये दो प्रिंसिपल्स रहते हैं कि हाई फॉस्फोरस फूड, हाई पोटेशियम फूड, सीमा जी अभी बाद में बताएंगे आपको, वो ज्यादा नहीं लेना है, और साथ साथ चेक कर रहा है तभी हमें पता चलेगा कि क्या है। अगर ये सब अच्छा, ये एक बहुत कॉमन वो है कि हमारे बॉडी में प्रोटीन लीक कर रहा है तो प्रोटीन खाना बंद कर दें, उससे क्रिएटिनिन कम हो जाता है, ये कुछ हद तक बात सही है क्योंकि जो क्रिएटिनिन है वो बनता प्रोटीन इंटेक से है, और अगर आप अपनी प्रोटीन इंटेक कम करेंगे, जैसे ज्यादातर क्वैक्स के पास जाएं तो सबसे पहले आपका क्या करते हैं, आपको इम्प्रेस करने के लिए क्रिएटिनिन आपका कम करते हैं, किस तरह, वो आपका प्रोटीन बंद कर देंगे, वो कहेंगे दालें बंद कर दीजिए, पनीर बंद कर दीजिए, अगर अंडा बंद कर दीजिए, नॉन वेजिटेरियन फूड बंद कर दीजिए, तो जब सबस्ट्रेट यानी जिससे क्रिएटिनिन बनता है वो कम होगा तो साथ साथ क्रिएटिनिन की लेवल थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा, बॉडी में एक कैटाबॉलिक फेज आ जाता है, यानी अब शरीर को तो कुछ चाहिए अपनी न्यूट्रिशन मेंटेन करने के लिए, तो वो आपकी जो मसल मास है उसको ब्रेक डाउन करना शुरू करता है और उससे एनर्जी लेता है, तो आप अपने आप पे ही एक पैरासाइट बन जाते हैं। इसीलिए प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। और दूसरा, इंटेस्टाइनल म्यूकोजल इंटेग्रिटी एंड फंक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यानी आपकी अंतड़ियों में जो म्यूकोजा बना हुआ है, आपके लंग्स में जो म्यूकोजा बना हुआ है, उसके लिए भी प्रोटीन इंटेक, डाइट, न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। तो ये हमारी गाइडलाइंस है, आप एक अपने न्यूट्रिशनिस्ट से मिलिए और उनको बताइए कि देखिए जी 35 किलो कैलोरीज पर केजी, तो आपका जो आइडियल बॉडी वेट है उसके हिसाब से हम, तो एक डाइट, वन साइज इज नॉट गोइंग टू फिट ऑल, यानी आपकी जिनका वजन ज्यादा है उनको डेफिनेटली ज्यादा कैलोरीज लेनी है और जिनका वजन कम है उनको कम कैलोरीज लेनी है। अब हम प्रोटीन इंटेक की बात करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है।
देखिए, अगर आप शाकाहारी हैं तो बाय एंड लार्ज आप ये लिख लें कि आपकी आपको प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम अगर हम सब नॉर्मल लोग भी अपनी डाइट चेक करें तो हम 0.8 to 1 gram per kg से ज्यादा नहीं लेते। तो यही रिकमेंडेशन है 0.8 grams per kg। लेकिन जो किताबों में लिखा गया है और जो कई बार लोग नेट पे ढूंढते हैं, तो वो रिसर्च आई है वेस्टर्न वर्ल्ड से, जहां वो कहते हैं कि 0.5 to 0.6 grams per kg, जिसमें 2/3 शुड बी हाई बायोलॉजिकल वैल्यू। उसका रीजन ये है कि अगर आपने देखा होगा कि जो वेस्टर्न डाइट है, इट इज प्रेडोमिनेंटली अ प्रोटीन डाइट। वो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में तीनों टाइम कुछ ना कुछ, ब्रेकफास्ट में सॉसेज खा लिए, अंडा खा लिया, दोपहर को चिकन खा लिया, रात को मीट खा लिया, उनकी डाइट के लिए डेफिनेटली प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन जरूरत है। बट वंस अगेन आई विल से कि जो हमारी डाइट है, जिसमें ज्यादातर दालें होती हैं, पनीर होता है, वो उसमें रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है। और एक रिसर्च अभी लास्ट ईयर आई दिसंबर में, उन्होंने देखा कि किडनी वाले पेशेंट्स में अगर वो वेजिटेरियन डाइट लें, यानी प्लांट बेस्ड प्रोटीन लें, तो उनकी क्रिएटिनिन की वैल्यू ज्यादा देर तक प्रिजर्व रहती है, किडनी फंक्शन ज्यादा प्रिजर्व रहता है। ना कि अगर उन्होंने कंपेयर किया एक ग्रुप ऑफ पेशेंट से, जो जिनको हम लोगों ने 1.8 grams per kg तक का नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन भी दिया हुआ था, उनके कंपैरिजन में। तो अगर आपको किडनी की बीमारी है तो एक हमारे आपको शाकाहारी बन जाना चाहिए। हाँ, कभी हफ्ते में या महीने में एक बार चिकन फिश खा रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाय एंड लार्ज शाकाहारी डाइट ज्यादा अच्छी है। एग ले सकते हैं, एग इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड, बट मीट जो होता है वो एसिड जनरेट करता है, इसीलिए चिकन फिश मीट तीनों चीजों से दूर रहे। एक और इम्पोर्टेंट केमिकल होता है फॉस्फरस, वो डाइट से आता है। अच्छा, ये हमारे वेजिटेरियंस में भी आता है, तो इसका खास ख्याल रखना है। फॉस्फोरस अगर ज्यादा बढ़ जाए बॉडी में तो वो हड्डियों को कमजोर करता है, और नंबर वन कॉज हार्ट डिजीज का होता है। हार्ट को भी हार्ट में जाके डिपॉजिट कर जाता है कैल्शियम फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस को चेक रखना है, और जो हाई फॉस्फेट फूड्स है जिनमें मट्ठा और दही सबसे ज्यादा आता है, तो वो कम लें, और दूध भी थोड़ा सीमित मात्रा में लें। अगेन एक बैलेंस्ड डाइट बनवा लें अपनी न्यूट्रिशनिस्ट से। पोटेशियम एक और इम्पोर्टेंट केमिकल है, जो निकलता तो किडनी से है, सो लेकिन असर वो करता है हार्ट पे। तो अगर पोटेशियम लेवल बढ़ जाएगी तो नंबर वन वो हार्ट की बीट इरेगुलर कर देता है, तो आपको बहुत हार्ट एरिथमिया हो सकते हैं, और दूसरा वो मसल्स को भी, मसल वीकनेस आ जाती है। तो ये बहुत खतरनाक कंडीशन होती है हाइपरकैलेमिया, जैसे हम बोलते हैं, और इससे कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए टाइम टू टाइम आपने देखा होगा हम KFT कराते हैं, जिसमें सोडियम होता है, पोटेशियम। सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमित मात्रा में लें, क्योंकि जितना सोडियम ज्यादा लेंगे उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जितना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उतना आपकी किडनी की डिजीज तेजी से जाएगी। फ्लूइड्स जनरली Stage 1 to Stage 3 में तरल पदार्थ, लिक्विड्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, क्योंकि यूरिन आउटपुट आपका अच्छा हो रहा है। जो Stage 4 किडनी डिजीज है, जिनका यूरिन यानी पेशाब की मात्रा 0.5 liter से कम है, 1 liter से कम है, तो उनके लिए डेफिनेटली फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन की जरूरत है। और जो लोग खा नहीं रहे होते, कई किडनी के पेशेंट इतने कमजोर आते हैं जो खा ही नहीं पा रहे होते हमारे पास, तो उनको तो हम लोग कई बार नली डाल के ट्यूब फीडिंग देते हैं, ताकि शरीर में थोड़ी जान आए और धीरे धीरे ओवरऑल शुरू करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है न्यूट्रिशन का। और कुछ फॉर्मूले सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं कमजोर लोगों के लिए, जो जिनमें हिम्मत ही नहीं है, ये भी एक किडनी वाले पेशेंट्स के लिए अलग फॉर्मूला अवेलेबल है, तो टेक इट अंडर एक्सपर्ट एडवाइस। साथ साथ कुछ कीटो एनालॉग्स, एक तरह के अमाइनो एसिड सप्लीमेंट्स हैं, जो अमाइनो एसिड भी 2 type के होते हैं, किडनी फ्रेंडली, और ये टैबलेट फॉर्म में आए हैं, और इसमें भी देखा गया है कि प्रोटीन जो उससे क्रिएटिनिन कम होता है, क्योंकि हम जो किडनी फ्रेंडली अमाइनो एसिड्स हैं उनको टैबलेट में डाल देते हैं, और ये ले सकते हैं। और साथ ही साथ कोई भी डाइट ले रहे हो, रेगुलर फॉलो अप विद द न्यूट्रिशनिस्ट, विद योर नेफ्रोलॉजिस्ट, ताकि हम मॉनिटर तो कर सकें कि क्या चल रहा है। और अगर हो सकता है कि आप अपने तरह से नॉर्मल डाइट ले रहे हो लेकिन वो प्रोटीन कम जा रहा है, और इससे पहले कि बार बार इन्फेक्शन हो, पिक इट अप टू लेट, ब्लड टेस्ट और क्लिनिकल असेसमेंट से हम पता कर पाएंगे। अब आ जाते हैं डायलिसिस पेशेंट्स में। तो डायलिसिस पेशेंट में, डायलिसिस के दौरान तो प्रोटीन कैटाबोलिज्म, यानी डायलिसिस जब हम करते हैं तो टॉक्सिन्स तो निकालते हैं, लेकिन साथ साथ प्रोटीन लीकेज होता है। तो इनमें हम 1.2 to 1.4 ग्राम पर केजी, यानी हाई प्रोटीन डाइट देनी होती है।
नॉर्मल से कहीं ज्यादा, जो हम खा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा। और इन लोगों में डेफिनेटली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव दिस कि यार सिर्फ शाकाहारी से। सो डायलिसिस पेशेंट है तो हम अपने सब डायलिसिस पेशेंट को कहते हैं कि कम से कम 4 एग व्हाइट जरूर लीजिए। एक अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है, तो तब वो तो थोड़ा सप्लीमेंट करेगा। तो साथ फिश अगर ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं तो जरूर लीजिए, क्योंकि आपकी अगर 50 किलो वेट है तो हमें तो आपको लगभग 60-70 प्रोटीन देना है, 60-70 ग्राम, जो आसान नहीं है। ये अगेन आपकी न्यूट्रिशनिस्ट कैलकुलेट करके बताएगी। और ज्यादातर पेशेंट्स ये नहीं अचीव कर पाते, तभी हमारे देश में जो डायलिसिस वाले पेशेंट्स बहुत कमजोर होते हैं। मैं जब कनाडा में था तो वहां के जो डायलिसिस वाले पेशेंट्स थे, यहाँ पे जैसे डायलिसिस वाले पेशेंट के साथ लगभग 2-3 रिश्तेदार आते हैं, उठा के ला रहे होते हैं, कोई व्हीलचेयर पे ला रहा होता है। कनाडा में हमारे जो डायलिसिस वाले पेशेंट्स थे खुद ड्राइव करके आते थे, कोई साथ नहीं होता था। और साथ अपना उनको जब उनकी डाइट में देखता था ड्यूरिंग डायलिसिस, तो आई वाज सरप्राइज्ड। और यही हमारे यहाँ, अगर आप फोर्टिस हॉस्पिटल वसंतपुर में भी आए और डायलिसिस यूनिट में जाएं, तो अगर आपका प्रॉपर डायलिसिस हो रहा है और प्रॉपर आपकी मॉनिटरिंग हो रही है, तो आप अचंभ रह जाएंगे कि डायलिसिस वाले पेशेंट्स हमारे कम से कम 2-3 पराठे खाते हैं। सबके सब जो ज्यादातर 80% 4 अंडे जरूर खा रहे हैं। और इसी यही एक रीजन है कि वो 10-10 साल से डायलिसिस पे, और कुछ तो इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि वो ट्रांसप्लांट ही नहीं कराना चाहते। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी जो न्यूट्रिशन विभाग का, जो सीमा जी अभी आपको बताएंगी, कि वो कॉन्स्टेंटली डायलिसिस में राउंड लेते हैं। हर पेशेंट से हर डायलिसिस विजिट पे रीइंफोर्स किया जाता है, और महीने में एक बार ब्लड टेस्ट होना अनिवार्य है। नहीं तो हम कहते हैं कि हम आपका डायलिसिस ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम चेक करते हैं कि कहाँ पे हमारी कमी है, कोई केमिकल तो नहीं बढ़ गया, कोई पोटेशियम बढ़ गया हो, फॉस्फोरस बढ़ गया हो, तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है। क्योंकि थोड़ा प्रोटीन लेंगे तो फॉस्फोरस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन हम फॉस्फोरस को कम करने की दवाइयां दे देते हैं। तो ये है हीमोडायलिसिस। एक पेट का डायलिसिस यानी पेरिटोनियल डायलिसिस है, उसमें भी रिकमेंडेशन, उसमें कई बार इन्फेक्शन हो जाए तो और ज्यादा देना पड़ता है। नमक कम लेना है, ये यूनिफॉर्म है सारे किडनी पेशेंट्स के लिए। अगर एक चीज लेनी है तो नमक आपने बहुत कम लेना है, क्योंकि नमक से बीपी बढ़ता है, वाटर रिटेंशन बढ़ती है। पोटेशियम अगर पेरिटोनियल डायलिसिस पे है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हीमोडायलिसिस पे है तो हम ये कहते हैं कि जिस दिन आपका डायलिसिस है उस दिन सुबह आप अपना हाई पोटेशियम फूड, जिसमें आम फ्रूट का जूस, ये थोड़ा बहुत ले सकते हैं। और फॉस्फोट, जैसे मैंने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट रहता है, केमिकल रहता है, क्योंकि फॉस्फेट, उसके लिए हम फॉस्फोरस को, जो खाने में फॉस्फोरस आ रहा है उसको बाइंड कर लेते हैं, उसको अंदर अंतड़ियों से ब्लड में नहीं पहुंचने देते। तो फॉस्फेट बाइंडर एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जो आपकी किडनी स्पेशलिस्ट आपको जरूर बताएंगे कि ये जरूर लेना है। अब आ जाइए ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में, जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है। जैसे मैंने कहा मिनिमल रिस्ट्रिक्शन, हाँ अर्ली ऑन जब पहला हफ्ता है तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो रहा है, लेकिन प्रोटीन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 1.2 ग्राम्स प्रोटीन, इनको तो कैचअप करना है और अच्छी कैलोरीज लेनी है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छी डाइट लें। एट द सेम टाइम इन पेशेंट्स में देखा गया है कि आप मोटापा हो जाता है, ये कई बार ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जिससे वेट बढ़ता है, तो उसका ख्याल ज्यादा रखना है। रेगुलर एक्सरसाइज शेड्यूल फॉलो करना है, और शुगर अगर आपको है तो शुगर को कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है, ताकि किडनी जो आपकी है, और ब्लड प्रेशर का बहुत अहम रोल होता है ट्रांसप्लांट के बाद। आपका ब्लड प्रेशर 130 भी नहीं, 120 होना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि जिनका 120 है उनकी किडनी ज्यादा लंबी चलेगी, और जिनका 130 है उनकी कम चलेगी, और जिनका 140 है और कम चलेगी, 150 है तो और कम चलेगी। चाहे आप अपनी मेडिसिन रेगुलरली ले रहे हैं, लेकिन अगर हम दो लोगों को कंपेयर करें जिसका ब्लड प्रेशर 120 है, तो उसकी किडनी ज्यादा लंबी चलेगी। सो अब मैं समराइज करूंगा जो मैंने आपको बताया, इससे पहले कि मैं सीमा जी आपको प्रैक्टिकल टिप्स देंगे कि जो मैंने बताया उसको कैसे इंप्लीमेंट करें। बट प्रिंसिपल्स आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन नहीं होनी चाहिए, वेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। वो कैसे नहीं होगी, आप अपनी रेगुलर चेकअप कराएं, और अगर ये हो तो इससे बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। डायटरी प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन तो नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए, वेजिटेरियन लोगों के लिए उसका ज़्यादा रोल नहीं है। और अगर बहुत लो प्रोटीन डाइट लेंगे तो जरूर परेशान होंगे, चाहे आपकी क्रिएटिनिन वैल्यू कम हो जाए, लेकिन अगर आप उठने लायक नहीं होंगे तो ऐसी डाइट का क्या फायदा। और ये मैं आपको एक वेबसाइट दूंगा kidneyeducation.com, इस पे हम लोगों ने किडनी पेशेंट्स के लिए कुछ टिप्स दिए हैं। नो कोरोना टू डिफीट कोरोना, ऑल यू नीड टू नो अबाउट कोरोना वायरस, डाइट के ऊपर भी दिया है। और ये लगभग 27 भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अब उपलब्ध है,
इसमें हमारे देश में ही नहीं बाहर के विदेशों से भी लोगों ने काम किया है और हमने ये गाइडलाइंस बनाई हैं और उनको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तमिल, कन्नड़, बांग्ला, फ्रेंच, स्पेनिश, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में भी कन्वर्ट कर दिया। तो इसको जरूर विजिट करें। इसके यहाँ पे एक किताब भी फ्रीली अवेलेबल है, सेव योर किडनी, यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री। और अब मैं सीमा जी को हैंड ओवर करूँगा, फिर क्वेश्चन उसके बाद लेंगे हम, ठीक है जी? यस सर, श्योर। ये स्लाइड्स दिख रही हैं सबको? इम्यूनिटी टाइटल? नो सर, नॉट येट। नो सर, नॉट येट। आई मीन द प्रीवियस वन इज स्टिल देयर। ओके, ये स्टॉप शेयर करना पड़ेगा। अब आपकी जाएगी। हाँ, ये वाली है, ये वाली है, है? अब आप ले लो। यस सर, विजिबल। हाँ सुनील, बोलो। ये किससे पूछ के आए हो? पूछ तो लिया करो ना। अब मैं बताता हूँ, एक मीटिंग में हूँ हॉस्पिटल में, ठीक है? Good morning everyone. I hope you can see my slides starting from immunity. So as Dr. Gulati has explained the, you know, very much clear principle of the diet, that we don't have to focus on the restriction, but we have to actually focus on the intake, that how you can take the healthy diet if you are suffering from the kidney disease. Even this kind of principle applies everywhere in every disease. Generally, what happens, we focus on what is not to be taken. Ma'am, if you don't mind, just a bit more Hindi. Okay. So, yeah. इसलिए हमें किसी भी, जैसा कि हमने डॉक्टर गुलाटी ने भी बोला, अपनी डॉक्टर या डाइटिशियन से बात करके डाइट को समझना चाहिए, जिससे कि हम रिस्ट्रिक्ट करने की बजाय इस चीज पे फोकस करें कि हमें खाना सही मात्रा में कैसे खाना है, जिससे ना कि हम अपनी किसी भी बीमारी को वहीं स्टॉप कर सके, बल्कि उससे इससे हम हेल्दी लाइफस्टाइल को भी कैरी कर सकें। सो किडनी प्रॉब्लम्स में जनरली, जैसा कि हमने डिस्कस किया, कि कम खाने की वजह से वीकनेस बॉडी में बहुत ज्यादा आ जाती है, और सिंस अभी कोरोना वायरस स्प्रेड इज देयर, सो हमारी इम्यूनिटी इस टाइम पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन में हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हम खाना प्रॉपरली नहीं खा रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर इंडियन डाइट, जो कि लो प्रोटीन होती है, और इस टाइम पे हमारे को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और बाकी न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है। तो डाइट आपकी बहुत ज्यादा इस टाइम पे कंट्रोल्ड नहीं कह सकते, बट स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो जब भी हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, केवल हम डाइट की बात नहीं करते, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, जहाँ की हमारी डाइट डेली बेसिस पर ऐसी होनी चाहिए जो कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को रोक सके, जैसे कि प्रोटीन, जिंक, सेलेनियम, आयरन, कॉपर, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, बी, सिक्स, सी, डी, ए, ई। So this is whole lot of spectrum more than protein only. But हम protein को यहाँ इसलिए specifically discuss कर रहे हैं क्योंकि kidney disease protein intake के around ही हम control कर सकते हैं, maintain कर सकते हैं। इसके अलावा healthy lifestyle की अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा, not only diet will maintain the immunity, but lifestyle के कुछ factors हैं वो भी हमारे को support करते हैं, जैसे कि no smoking। स्मोकिंग अगर कोई करता है तो फ्री रेडिकल्स बॉडी में बनते हैं और इस करके हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। ड्रिंकिंग, अगर कोई ड्रिंक करता है तो बहुत ही कम मात्रा में अल्कोहल लेना है, अगर कोई नहीं करता है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, स्लीपिंग वेल, बहुत अच्छी तरह से कम 7 से 9 घंटे की नींद एक एडल्ट को लेनी है, अगर बच्चा है तो 10 से 11 घंटे मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है।
तो इतने घंटों की नींद हमें 24 आवर्स में अचीव करनी करनी, बिकॉज होता क्या है कि आजकल इतना स्ट्रेस है माइंड में कि हम प्रॉपरली सो नहीं पा रहे हैं. सो अगर प्रॉपर स्लीपिंग आवर्स हम अचीव नहीं करेंगे तो भी हमें इम्यूनिटी टोल लेगी. अलावा इसके लॉकडाउन है तो मोस्टली वी ऑल आर रिस्ट्रिक्टेड टू आर बिल्डिंग्स, मे बी अ वर्क प्लेस और द होम. तो उस टाइम पे हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, rather than exercising, maybe we are sitting and watching TV, reading books, something like that. So मैं ये कहना चाहूंगी कि डाइट तो है ही है, बट उसके साथ में मॉडरेट एक्सरसाइज जो कि इंडोर हो वो हम अडॉप्ट करें. सो वो कुछ भी हो सकती है, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से लेकर स्पॉट जंपिंग, स्पॉट जॉगिंग या रस्सी कूदना. जैसे हमारी बॉडी जिस स्टाइल के एक्सरसाइज को अडॉप्ट करे हमें वही करना है, ज्यादा बॉडी को एक्सर्ट नहीं करना है. क्योंकि इस टाइम पे ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमें कम से कम मूवमेंट बाहर करना पड़े, कोई भी हम जर्क बॉडी में ना ले. सो ये सारी चीजें करके हम हेल्दियर इम्यून सिस्टम मेंटेन कर सकते हैं. अब गाइडलाइंस ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, जिसमें प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये क्रिटिकली हम रिड्यूस करते हैं प्रोटीन अपनी डाइट में, जो कि हमें नहीं करना है क्योंकि हमारे इंडियन डाइट एज सच ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेफिशिएंट होती है प्रोटीन में. बट हाँ, एक चीज, कैलोरीज और प्रोटीन दोनों के बैलेंस पे बहुत ध्यान देना है. जैसा कि मैंने मेंशन किया कि अगर पेशेंट किसी भी स्टेज में हो लेकिन वो बहुत ज्यादा कैलोरीज या रिकमेंडेड कैलोरीज डाइट नहीं ले पाता है, तो थोड़ा सा प्रोटीन हमें उस केस में बढ़ाना पड़ता है घटाने के बजाय. क्यों? क्योंकि हमें प्रोटीन को प्रोटीन के एक्शन के लिए सेव करना है, अदरवाइज प्रोटीन कैलोरी देने का काम करने लगेगा. ये काफी डिटेल टेबल है प्रोटीन इनटेक और सारे न्यूट्रिएंट इनटेक की एज पर द किडनी डिजीज. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज ऑलरेडी हम इसकी बात कर चुके हैं. इसके अलावा अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्सक्यूज मी, आपकी शायद सिर्फ फर्स्ट स्लाइड ही विजिबल है. आई मीन अगर आपने उसको आगे किया है तो आई थिंक वी आर नॉट एबल टू सी. आई एम स्टिल एबल टू सी योर फर्स्ट स्लाइड ऑफ इम्यूनिटी. ओके, वो फर्स्ट ही देख पा रहे हैं. इसको स्टॉप शेयर और फिर नाउ विजिबल. यस मैम, द फर्स्ट स्लाइड. ओके, आई विल गो टू द या द नेक्स्ट वन. यस यस, इट स्टार्टेड. तो अब हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी बूस्टर फूड पे, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा इम्यूनिटी को मेंटेन करने की जरूरत है. एक चीज और नोट करें कि इम्यूनिटी बूस्टर फूड खाने से ओवरनाइट कोई भी इम्यूनिटी बिल्डअप नहीं होगी, उसके साथ में बहुत सारे फैक्टर्स हैं एंड इट्स अ प्रोसेस. एक टाइम पीरियड के बाद हम अपनी इम्यूनिटी में थोड़ा चेंज ला सकते हैं. बट यस, अगर हम प्रॉपर कंट्रोल्ड रिकमेंडेड डाइट अपनी डेली लाइफस्टाइल में शामिल करें तो हम ये कह सकते हैं कि हम डेली वियर एंड टियर और अपनी इम्यूनिटी को और डाउन नहीं जाने देंगे, जिससे कि हो सकता है कि हम कोरोना वायरस को काफी हद तक फाइट कर पाए और वो इन्फेक्शन हमारे पास ना आने पाए. सो स्टार्ट करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड से. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर द इम्यूनिटी, स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक एक्टिविटी हमारी बॉडी में होती है. So, उसके लिए ये काफी काम करता है. तो इसके लिए समझे कि किडनी पेशेंट्स क्या क्या ले सकते हैं. फ्लैक्स सीड्स हम ले सकते हैं कम से कम 2 teaspoon एवरी डे. तो ये ध्यान रखें कि मैंने जो लिस्ट ऑफ फूड्स दिए हैं, ऐसा नहीं कि डेली हमें सारे फूड लेने हैं, दिन में कोई एक ही फूड लेना है. और मैं बार बार कहूंगी कि ये एक जनरल रिकमेंडेशन है. हमें ध्यान रखना है कि हमें रिकमेंडेशन अपनी करंट ब्लड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही फ्रेम करानी है. तो आप ये जनरल रिकमेंडेशंस को फॉलो कर सकते हैं, बट अपने नेफ्रोलॉजिस्ट और डाइटिशियन की सलाह के साथ ही, जिससे कि आपका पर्सनल डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग आप फॉलो करेंगे. सो फ्लैक्सी 2 teaspoon, एलमंड्स 4 to 5 एवरी डे कैन बी टेकन, और द वॉलनट 1 to 2 इन अ क्वांटिटी. सैल्मन फिश कैन बी टेकन, इट विल गिव यू ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. फिश अच्छी होती है डाइट में शामिल करनी. अब आप देखें, अगर आप फिश ले लेते हैं या कोई भी एक प्रोटीन रिच फूड ले लेते हैं, जिसमें मैं फिश की बात करूंगी, नॉन वेज की बात करूंगी, लो फैट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एंड एग्स, तो इससे आपको प्रोटीन भी मिलेगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिलेंगे. सो
सोय भी आप अपने डाइट में ले सकते हैं, वन बोल इन अ डे, एग्स टू, एंड चिया सीड्स 1 to 2 teaspoon. एंड इसके अलावा प्रोटीन इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन इम्यूनिटी अगेन, क्योंकि अगर प्रोटीन कम होगा तो मैलनरिशमेंट होगा और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे. सो लो फैट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हमें लेना है. जैसा कि हमने डिस्कस किया था, फास्फोरस रिड्यूस करना है, बट डेयरी प्रोडक्ट हमारे फास्फोरस की मात्रा को डाइट में ब्लड में बढ़ाते हैं. सो इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे इसकी हम आगे बात करेंगे. अभी मैं जनरल हाई प्रोटीन फूड की बात कर रही हूँ. नॉनवेज चिकन एंड फिश कैन बी टेकन. कभी रेड मीट आप खाते हैं तो वो रेयरली खाएं, लेकिन ध्यान रखें जबकि अभी कोरोना वायरस स्प्रेड है तो कोई भी फूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को छोड़ के आप रॉ ना खाएं, जिसमें कि स्पेशली दूध आता है, कच्चा दूध ना पिए, उसको उबाल के पिए. फिश, चिकन और एग ये भी कच्चे खाए जाते हैं किसी किसी प्रिपरेशन में, तो कृपया इनको ना खाएं, इसको अच्छे से वॉश करके और कुक करके ही खाएं. अगर हम रॉ खाएंगे तो उसके थ्रू इन्फेक्शन आने का चांसेस रहता है. और जब भी हम फूड की बात करें, फूड के थ्रू कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं होता, बट अगर हमने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए, जिसमें आता है कि थोरोली सब्जी और वेजिटेबल को फ्रूट्स को धोना है और अच्छी तरह से हैंड वॉशिंग करनी है. आप कुछ कहना चाह रही हैं? यस मैम. मैम आर वी स्टिल ऑन द फोर्थ स्लाइड? और फूड या राइट on the fourth slide or on the fifth slide you have moved? Title आपका क्या? Omega 3 fatty acid आ रहा है? Right, yeah. Same है. So अगर हमने food safety standard measure नहीं किए हैं, जिसमें कुछ नहीं आता, लेकिन hygiene और hand washing आती है, तो infection होने के chance हैं. उसको आप काफी ध्यान में रखें. Next आता है तुलसी. तुलसी भी काफी एक ऐसा पौधा है हमारे Indian system में जो कि एंटीवायरल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी को अपने आप में रखता है और काफी सालों से हमारे यहाँ हिस्टोरिकली यूज होता जा रहा है. आई थिंक हार्डली कोई घर होगा जहाँ तुलसी का पौधा नहीं होगा. तो इन प्रॉपर्टीज का हमें फायदा उठाना चाहिए. इसमें कुछ नहीं करना है, एटलीस्ट 5 तुलसी लीव्स इन अ डे कैन बी टेकन. अब वो लेना कैसे, हम चाय में डाल सकते हैं या हम उसको ऐसे ही च्यू कर सकते हैं या हनी के साथ खा सकते हैं. अगर डायबिटिक है तो हनी नहीं खाना है, बट अदरवाइज हनी कैन बी टेकन एज अ स्वीटनर. इसके अलावा हल्दी का आजकल काफी डिस्कशन है. अगेन ये हमारा हिस्टोरिकल फूड है. हल्दी कैन ऑल्सो बी टेकन बाय अ किडनी डिजीज पेशेंट. अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो भी वो हल्दी ले सकता है, लेकिन कंट्रोल्ड अमाउंट में. वैसे भी हम डेली खाने में हल्दी लेते हैं, तो जब हम एक्चुअली गूगल करते हैं, गूगल से यहाँ पोटेशियम वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट कंटेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं गूगल पर, तो वो 100 ग्राम फूड की बात करता है. और अगर आप टर्मरिक का देखें तो 1 teaspoon में बहुत ही कम पोटेशियम होता है और आप उसको पूरे दिन की डाइट में शामिल कर सकते हैं. सो जब हम गूगल करते हैं तो उसमें हम डरते जाते हैं, सही गाइडेंस नहीं मिलती है. तो अगेन जैसा कि डॉक्टर गुलाटी ने रिक्वेस्ट किया कि आप हमेशा अपने स्पेशलिस्ट से बात कीजिए, डाइटिशियन से बात कीजिए, फिर डाइट लीजिए. अब हम बात करते हैं कर्ड की. कर्ड इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट. हम बहुत ही पुराने टाइम से दही खाते आ रहे हैं, आजकल योगर्ट भी फैशन में है. सो कर्ड और योगर्ट दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट है, दोनों में से कुछ भी लिया जा सकता है. लेकिन ये ध्यान में रखें कि कर्ड की मात्रा आपकी डाइट में कितनी हो, आपके फॉस्फोरस एंड प्रोटीन रिकमेंडेशन के हिसाब से. कर्ड खाना अच्छा क्यों है? जिससे, क्योंकि ये आपकी बॉडी को गुड बैक्टीरियाज देता है, जिससे कि आपका गट हेल्दी होता है और अल्टीमेटली इम्यून सिस्टम, इम्यून फंक्शन बेटर वर्क करता है. अब हम बात करेंगे अदरक की, जिंजर. सो जिंजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा. आप डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं, चाय में डाल सकते हैं, सब्जियों में डाल सकते हैं. इनफैक्ट आप अगर खिचड़ी खा रहे हैं तो खिचड़ी में भी डाल सकते हैं. एंड अगेन आई वुड से कि आप सिंपल चीनी की बजाय अगर डायबिटिक हैं तो यस, हनी, गुड़ वगैरह वो आपको नहीं एडवाइज्ड है, लेकिन नॉन डायबिटिक पर्सन को एक सिंपल शुगर लेने की बजाय जैगरी या फिर हनी पर स्विच किया जा सकता है. लेकिन अगेन वो रिकमेंडेशन आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से. और बहुत चाहिए कि आज हम एक बार हमने जो अपनी डाइटिशियन या डॉक्टर के साथ डिस्कस किया तो वो उस दिन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग था. आपकी ब्लड रिपोर्ट, आपकी डाइटरी हैबिट्स और आपकी किडनी फंक्शंस के अकॉर्डिंग वेरी करती है. सो वी नीड टू
actually discuss with the doctor and dietitian at the regular interval, like maybe 3 months में एक बार आप मिले या जब आपको डॉक्टर बुलाए तो आप जरूर उनसे कॉन्टेक्ट करें. इसके अलावा दालचीनी की हम जब बात करते हैं तो दालचीनी भी हमारी इम्यूनिटी के लिए काफी अच्छी होती है, और दालचीनी को हम गर्म पानी में एज इट इज या कॉफी चाय डेजर्ट्स में भी यूज कर सकते हैं. इसका पाउडर भी हम यूज कर सकते हैं. एंड गार्लिक एंड लौंग भी हम अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा ना भूलें कि हम रोज सन का एक्सपोजर लें, पानी रिकमेंडेड अमाउंट में पिए. वो आपका इंडिविजुअल होगा जो कि आपकी यूरिन आउटपुट के अकॉर्डिंग होता है. योगा एक्सरसाइज वगैरह करें. एंड इसके अलावा ध्यान रखें, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी वैसे तो सारी चीजों की अवेलेबिलिटी है, फिर भी हम कैंड प्रोसेस्ड फूड लेना कभी कभी पसंद करते हैं. तो ध्यान रखें जो भी कैंड एंड प्रोसेस्ड फूड आप लें उसमें एक्स्ट्रा एडेड शुगर और सॉल्ट नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए आपको पढ़ना है फूड लेबल. फूड लेबल्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगी. नाउ वी विल टॉक अबाउट, हम बात करेंगे फॉस्फोरस की. तो किसमें हाई होता है फॉस्फोरस? नट्स में, पिज्जा, लेवर, चॉकलेट्स, जो भी ऑर्गन मीट्स होते हैं फॉस्फोरस उसमें ज्यादा पाया जाता है. चॉकलेट, पोक, बीन्स, आइसक्रीम्स, हॉट डॉग्स, बिस्किट्स. लो किसमें होता है? पॉपकॉर्न. ध्यान रखें पॉपकॉर्न में अगर सॉल्ट होगा तो वो सॉल्ट उसमें बढ़ा देगा, तो प्लेन पॉपकॉर्न विल वर्क हियर. पास्ता, बटर हर्ब्स विद द बटर एंड हर्ब सॉस, चिकन, ग्रीन बीन्स, हैमबर्गर एंड क्रैकर्स. सो ये चीजें हैं जो हमारी डाइट में लो फॉस्फोरस देती है. एक और बढ़िया टिप ये रहता है कि प्रोटीन तो हमें लेना है, तो हम डेयरी फूड से दूर नहीं भाग सकते, क्योंकि जब हम वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो हमारे पास दाल, सोए और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ही रहता है. लेकिन अब रिकमेंडेड अमाउंट में प्रोटीन लेना है, ये चीजों से हम दूर नहीं जा सकते. तो हम क्या करें? डेयरी फूड को हम नॉन डेयरी फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं. Please slide change. We are still on the fourth slide. On the fourth slide? Yeah. Oh, why is it happening? Ab food with phosphorus aa raha hai? No, sir. Immunity boosting foods. We are on the fourth slide yet. सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टिंग दिखा रहा है. इस तरह वाइल वी आर सेटिंग कोई अगर सवाल हो तो हम ले सकते हैं. एनी क्वेश्चंस वाइल वी आर ट्राइंग टू रीस्टार्ट द स्लाइड्स? यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर. हां जी बोलिए सर. लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट इम्यूनिटी बूस्टिंग आइटम्स जी, ऑन द अदर हैंड वी आर टेकिंग इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिंस. हां जी हां जी. सो लाइक व्हाट इज दिस? लाइक शुड बी, यदि इम्यूनिटी बढ़ानी होती है तो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन से वी शुड बी टेक ट्रांसप्लांट पेशेंट है उनके लिए है ना. ये बहुत ही अच्छा सवाल है. देखिए जो इम्यूनिटी होती है ना, एक दो टाइप की इम्यूनिटी होती है. एक इंग्लिश में बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी, एक एडाप्टिव इम्यूनिटी. वो वाली इम्यूनिटी सप्रेस करनी है जो पार्ट आपका, आपकी जो किडनी के अगेंस्ट रिएक्ट कर रहा है, बड़ी स्पेसिफिक इम्यूनिटी है. और कुछ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करती है. तो ये जितने हम फूड्स बता रहे हैं ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. और कोरोना वायरस में भी आप जानते हैं कोई मेडिसिन तो है नहीं. तो हमने जो अपनी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, ये जो खासकर दही में इन्होंने बताया कि नेचुरल किलर सेल्स होते हैं जो फर्स्ट जैसे ही कोई इन्फेक्टिव एजेंट आता है उसको खाते, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं. तो हम ये सारे जितने, और इसमें आपने देखा जैसे सीमा जी ने बताया कि जितने भी चीजें बता रही हैं एक्सेप्ट फॉर ये फॉस्फोरस, अगर आप तो ये जो इंडियन किचन है उसमें सब हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते रहे हैं.
हाँ ये है कि पिछले कुछ सालों में विद द वेस्टर्न फूड कमिंग इन, ये पिज्जा, हैमबर्गर, हॉट डॉग और ये सब, तो अगर आप इंडियन खाना खा रहे हैं, शाकाहारी खाना खा रहे हैं और ये सब हर्ब्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आई थिंक यू आर ऑन द राइट साइड. सेकेंड पार्ट इज द एक्सरसाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. और ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एक्सरसाइज, आप आज की डेट में कहाँ जाएं, आप टीवी लगाइए और टीवी में बजाय न्यूज चैनल देखने के लिए योगा चैनल देखिए, कोई फ्री में अवेलेबल है, यूट्यूब में अवेलेबल है. सो एक नियमित रूप में आधे घंटा रोज कम से कम योगा करिए, ताकि आपके, योगा से क्या होता है, आपके अगेन कुछ हॉर्मोनल सीक्रेशंस होते हैं कोई भी एक्सरसाइज योगा से, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. यही नहीं, डायलिसिस पेशेंट में भी रिसर्च आई है कि ड्यूरिंग डायलिसिस उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए. वो 3-4 घंटे जब आप डायलिसिस पे लेटे रहते हैं, दैट इज अ टाइम विच इज प्रोटेक्टेड टाइम, जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे, उस दौरान कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. तो इसलिए ये चीज, अब हम आगे, आई थिंक स्लाइड्स आर बैक, फूड्स विद फास्फोरस. ये जो भी हो रहा है, ये पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए है या फिर इट इज लाइक इन जनरल फॉर? ये किडनी डिजीज वाले पेशेंट्स के लिए, क्रॉनिक किडनी डिजीज. देखिए, पोस्ट ट्रांसप्लांट हमने पहले आपको बता दिया कि अदर देन लो सॉल्ट इनटेक, अगर आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल है तो बहुत ज्यादा डाइट में फर्क नहीं है. नमक कम खाना है, पोटेशियम लिबरली खा सकते हैं, और ये जो जितने भी इंडियन हर्ब्स हैं, बिना हिचकिचाहट के, एक जनरल प्रिंसिपल हम बोलते हैं कि जो आपकी इम्यूनो सप्रेशन है और जो खाना है, उसमें 1 घंटे का गैप रहना चाहिए. क्योंकि कई बार डाइट में ऐसी चीजें होती हैं जो इम्यूनो सप्रेशन सब लेते हैं, वो ब्लड में कम कर देती हैं, बाइंड कर जाती हैं. तो जो टैक्रोलिमस माइकोफेनोलेट है, उसको 1 घंटे का गैप रखें बिटवीन योर मील्स एंड द मेडिकेशन. ये जो डाइट है जनरली प्री डायलिसिस और डायलिसिस वाले पेशेंट्स के लिए है, और जितना किडनी फंक्शन कमजोर है उतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है. बिस्किट पे जरूर ध्यान दें, बहुत लोग बिस्किट खा लेते हैं बिना सोचे समझे, इसमें कुछ भी नहीं है. आप देखिए कितना, दो बिस्किट, इवन मीठा बिस्किट में सॉल्ट जरूर होता है और सबसे ज्यादा फॉस्फोरस होता है. तो बिस्किट इज एम्प्टी कैलोरीज. एक प्रैक्टिकल टिप, स्टे अवे फ्रॉम बिस्किट. दिस ऑल्सो गोज फॉर ट्रांसप्लांट पेशेंट बाय द वे. ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स को भी बिस्किट बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए, क्योंकि सॉल्ट जाता है बिस्किट में और कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू तो जा नहीं रही है. चलिए, ओके, सो वी लर्नड अबाउट फास्फोरस. तो मैंने कहा था कि जैसे डेयरी फूड लेना जरूरी है, तो कुछ नॉन डेयरी फूड भी हम ले सकते हैं. जैसे सोय प्रोडक्ट्स पे हम स्ट्रेस डाल सकते हैं कि सोय डेयरी व्हाइटनर आ गया, डेयरी व्हाइटनर नहीं, नॉन डेयरी व्हाइटनर आ गया या सोय मिल्क आ गया, तो वो चीजें हम अपनी डाइट में प्रेफर कर सकते हैं. नाउ द स्लाइड इज विद द हेडिंग, मुद्रिका प्लीज कंफर्म, फूड्स विद द पोटेशियम. यस मैम, यू सी, ओके, राइट राइट, एग्जैक्टली. सो आई विल जस्ट यू नो टॉक अबाउट लो एंड हाई पोटेशियम, देन आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ लो पोटेशियम फूड्स लाइक ग्रीन. अभी मैं लो पोटेशियम फूड की बात कर रही हूँ, ग्रीन बीन्स, बॉइल्ड पोटैटो, पीचेस कैंड, low fat milk, these some oranges, these are low potassium food. But high potassium is like जैसे हमारा पालक हो गया, फ्रेंच फ्राइज, ऑरेंज जूस. जब तक हमने ऑरेंज जूस निकाला तब तक हमने उसमें कम से कम 2-3 oranges यूज कर लिए, तो it becomes high potassium versus low potassium. Banana, baked potato, milkshake and fresh medium sized orange. छोटा ऑरेंज है तो उसमें कम पोटेशियम होगा, बिगर हो गया तो ज्यादा हो गया. और संतरे और मौसमी में फर्क है. मौसमी में, कीनू में बहुत हाई पोटेशियम होता है. तो अगर आपने लेना है सिट्रस फ्रूट तो ऑरेंज इज द वे टू गो, यानी संतरा खाइए, कीनू या मौसमी जरूर मत, बिल्कुल नहीं लीजिए. और एक चीज का ध्यान करें कि गूगल ना करें, क्योंकि गूगल पे मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्री, तो उनका सॉइल डिफरेंट है, उनका वाटर डिफरेंट है, तो उनका न्यूट्रिशनल कंटेंट भी डिफरेंट है. अगर एक लोकल फूड इंडिया की बात करें तो यहाँ की फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू डिफरेंट होगी इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है. सो इसके अलावा एक लो पोटेशियम लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो वेजिटेबल सर्विंग साइज 1/2 cup, सेलरी, चेरी टोमेटोज, तो ये सब फूड अगर हमने 1/2 cup लिए हैं तो ये लो पोटेशियम डाइट में हम शामिल कर सकते हैं. सब्जियों की अगर बात करें, चेरी टोमेटोज, कॉर्न, कुकुम्बर, एग प्लांट माने बैगन, ग्रीन और वेक्स बीन्स,
मस्टर्ड के पत्ते, टर्निप, बीन्स, मेथी के पत्ते, हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, पालक नहीं लेना तो मेथी भी नहीं लेना, लेकिन मेथी ली जा सकती है. सिमिलरली गाजर, पत्ता गोभी एंड फूल गोभी, एस्पेरेगस, मेथी लीव्स मैंने बताया, जैसे लेट्यूस एंड केल लीव्स, मशरूम्स. मशरूम्स को थोड़ा कम लेंगे, मशरूम्स में वेरी करता है. इसके अलावा भिंडी आप ले सकते हैं. सब्जियों में आप प्याज भी डाल सकते हैं. सब्जियों को बिल्कुल भी उबला हुआ नहीं बनाना है, उसमें थोड़ा आप तड़का भी लगा सकते हैं, प्याज इज अलाउड. इसके अलावा आप कैप्सिकम यूज कर सकते हैं डाइट में, और तोरी, घिया, टिंडा, ये तो पता ही है कि ये हम डाइट में ले सकते हैं. करेला, कैप्सिकम. फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो एप्रिकॉट ड्राइड, एप्पल, पपाया, पियर, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, चेरीज, जामुन, मैंगो, छोटा साइज मैंगो, लेमन, लेमन जूस, ऑरेंजेस एंड प्लम कैन बी टेकन. सो ओवर द पीरियड पोटेशियम वैल्यू काफी फूड की चेंज हुई है. कुछ हमें सरप्राइजिंग लगता है कि लेमन कैसे ले सकते हैं, बट लेमन जूस थोड़ा बहुत ले सकते हैं, जिससे आपके फूड का टेस्ट भी बना रहे और फूड एंजॉयबल और पैलेटेबल भी रहे. विनेगर, अगर खटाई यूज करनी है तो विनेगर इज अ गुड. व्हाट डू यू थिंक अबाउट विनेगर टेस्ट? हां, विनेगर, क्योंकि ये जो केमिकल विनेगर होता है ना, इट इज विनेगर भी दो प्रकार का होता है. इट इज कमिंग हियर नाउ. तो दो जो केमिकल विनेगर है, दैट इज एब्सोल्युटली सेफ, अनलिमिटेड अमाउंट. जो विनेगर बनता है शायद, और दूसरे किससे बनता है सीमा? एप्पल से? एप्पल से बनता है और केन से बनता है. हां, केन वाला विनेगर नहीं लेना है. एप्पल वाला अगेन इज यू कैन टेक. तो बहुत सारे खाने जैसे बता रही हैं, अगर देखे भी तो विनेगर के बहुत. एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आपने अभी कौन से विनेगर के लिए बोला? एप्पल साइडर विनेगर कैन वी टेक? हाँ, यू कैन टेक. और एक केमिकल विनेगर होता है, इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दिस थिंग. तो बस जैसे बता रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत ले रहे हैं तो एप्पल वाला इज एब्सोल्युटली सेफ. सो लाइक इन मॉर्निंग टू काइंड ऑफ जस्ट पुट इट इन वार्म वाटर एंड हैव इट, इज इट ओके? आपका फ्लूइड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आप एक्स्ट्रा फ्लूइड लेंगे. मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, 11 इयर्स हो गए. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप नींबू लीजिए. अगर आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल है तो फिर तो आप नींबू भी ले सकते हैं. एज़ आई सेड, दीज आर, ये ज्यादातर जो हम बता रहे हैं किडनी डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज और डायलिसिस. ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट और हमारी नॉर्मल डाइट में सिर्फ एक अंतर है, और वो है सॉल्ट. हम रिपीट कर रहे हैं, अगर क्रिएटिनिन नॉर्मल है. हाँ, अगर क्रिएटिनिन आपका 1.5-2 से ऊपर जा रहा है तो आपको भी किडनी वाले पेशेंट्स वाली कुछ प्रिस्क्रिप्शन. दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. थैंक यू डॉक्टर. मैम, वी आल्सो रिकमेंड इंस्टेड ऑफ सोडियम विनेगर. सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई हैव अ क्वेश्चन. यू गिव द लिस्ट ऑफ फ्रूट्स अर्लियर, आर दिस फ्रूट्स आल्सो कैन बी गिवन टू डायबिटिक पेशेंट्स? डायबिटिक की रिकमेंडेशन थोड़ी सी मिक्स एंड मैच होती है, उसमें कुछ फूड नहीं लिए जा सकते, जैसे कि मैंने जो लिस्ट आउट किया है यहाँ पे. आई थिंक डायबिटीज का बड़ा सिंपल है, 5 फ्रूट्स आप बिना हिचकिचाहट के ले सकते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. सेब, पपीता, अमरूद, नाशपाती, पाइनएप्पल. और इस लिस्ट में अगर हम देखें तो इस लिस्ट में केवल मैंगो अवॉइड करना. मैंगो स्पेसिफिकली, क्योंकि मैंगो बहुत मीठा होता है और साथ पोटेशियम कंटेंट भी ज्यादा होता है, नॉट अ गुड. हाँ, जो डायलिसिस वाले पेशेंट मैंगो खाना चाहते हैं उनको हम कहते हैं कि जिस दिन आपका डायलिसिस है उस दिन नाश्ते में जरूर मैंगो लेके आ जाइए. तो जैसा कि मैंने कहा कि डाइट थेरेप्यूटिक डाइट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल उबला हुआ खाना खाना है. आप उसमें ब्लैक पेपर वगैरह डाल के अपनी डाइट को पैलेटेबल बना सकते हैं. सो एनी डाइट प्लान, जो भी डाइट आप फॉलो करें, ध्यान रखें कि वो डॉक्टर डाइटिशियन से कंसल्ट करके ही यूज करें. और अगर कहीं पे भी इनटेक में प्रॉब्लम आ रही है, इनटेक कम हो रहा है, तभी आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट डॉक्टर और डाइटिशियन से बात करके लें, अपने आप जाके ओटीसी सप्लीमेंट्स ना यूज करें. थैंक यू. आई थिंक हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं. बस आई एम श्योर कि बहुत लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स कुछ एड्रेस किए. यस सर, यस सर. सो वी हैव द क्वेश्चंस इन द चैट ग्रुप. अगर हम लोग यहाँ पे चैट ग्रुप में बात करें तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस हैं कि घी ले सकते हैं क्या? राइट राइट. सर, द क्वेश्चन इज, हम लोग घी ले सकते हैं क्या? देखिए, सीमित मात्रा में. अच्छा, पहले हम ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स के लिए बात करेंगे, क्योंकि यहाँ वी हैव ट्रांसप्लांट पेशेंट्स. हाँ, ज्यादातर आई थिंक आपके ऑडियंस में ट्रांसप्लांट पेशेंट ज्यादा है. राइट राइट. तो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में बिकॉज ऑफ योर मेडिसिन थोड़ा
dyslipidemia, यानी cholesterol, triglycerides बढ़ जाते हैं, तो देर इज डेफिनेटली अ रिस्ट्रिक्शन. लेकिन जैसे अगर दाल में तड़का घी का लग रहा है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है. डेफिनेटली एवरी क्वार्टर, एवरी थ्री मंथ्स आप मॉनिटर करें, एंड मोस्ट ऑफ आर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स एक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन एट्रोवास्टेटिन पे रहते हैं. तो अगर आप वो ले रहे हैं, आपका वो कंट्रोल में है, तो घी ले सकते हैं. और ये भी अभी इसमें भी रिसर्च हैज टर्न्ड अ फुल सर्कल की वो कहते हैं कि जो देसी घी है, जो हमारे अगेन इंडियन ट्रेडिशन में बहुत स्ट्रांगली इनग्रेन्ड है, इट इज नॉट एज बैड जैसे. सो ऑल घीज आर नॉट सेम. ज्यादातर ये जो आर्टिफिशियल वनस्पति डालडा ये सब, ये घी खराब होते हैं. ऑयल्स में भी जो बहुत सारे लोग हमने देखा है कि ऑलिव ऑयल यूज करते हैं कि भाई वो तो सुना है, नेट पे बहुत अच्छा लिखा है. लेकिन अगेन आपने इंडियन कोई इंडियन कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल ठीक नहीं है. तो ऑलिव ऑयल जो मेडिटेरियन कंट्रीज से आया, वो लोग सैलड पे स्प्रिंकल करते हैं. तो अगर ऐसे कच्चा खाना है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप कुकिंग मीडियम में जा रहे हैं तो कच्ची घानी का तेल और यस किसी भी सीड का बना हुआ सीड का ऑयल अच्छा है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, तिल ऑयल, मूंगफली ऑयल. तो जैसा कि बोला कि अभी आपने पूछा कि घी खा सकते हैं या नहीं, आप मिक्स ऑफ फैट्स खा सकते हैं. तो जिसमें एवरीडे आप घी की भी मात्रा रख सकते हो, तेल की भी मात्रा रख सकते हैं. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो ये बता रही हैं वो भी बहुत जरूरी है. जो ऑयल्स हैं जितने भी, इनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत होते हैं. अगर आप हमारी फर्स्ट स्लाइड देखिए जिसमें इम्यून बूस्टर्स फूड में है, जो एंटी इंफ्लेमेटरी मैकेनिज्म है, इनका बहुत होता है, तो ये जरूर ले सकते हैं. ओके सर, सर द क्वेश्चन इज कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बोल रहे हैं कि ज्यादा है. कॉन्स्टिपेशन क्यों होते हैं, क्या वो मेडिसिन की वजह से होते हैं या उसके लिए कोई स्पेसिफिक डाइट है? और यहाँ पे ये भी पूछा गया है कि नॉनवेज की वजह से भी कोई ऐसा रीजन है कि इसकी वजह से हो रहा है? वेरी ट्रू. देखिए फाइबर, हाई फाइबर डाइट इज योर बेस्ट बेट अगेंस्ट कॉन्स्टिपेशन. तो फाइबर किसमें होता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में. अगर आप ये अच्छी मात्रा में लेंगे, खासकर केला और पपीता, और सैलड्स लेंगे, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, आई एम अस्यूमिंग कि आप अच्छी तरह धो रहे हैं कार्ड, तो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचा रहे हैं. कुछ लोग कैल्शियम सप्लीमेंट्स पे होते हैं तो कैल्शियम से भी कॉन्स्टिपेशन होती है, तो ये कहना ठीक है कुछ दवाइयाँ भी कॉन्स्टिपेशन करती हैं. लेकिन अगर आप डाइट अच्छी ले रहे हैं, अ बैलेंस्ड डाइट विच इज हाई इन फाइबर कंटेंट, तो आपको बाय एंड लार्ज कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी. तो एनीमिया का कारण क्या होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज में? देखिए हमारे ब्लड सेल्स बोन में जरूर बनते हैं, लेकिन बोन को रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए एरिथ्रोपोएटिन नाम का एक हार्मोन चाहिए होता है. तो क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स में, मैं अब बात कर रहा हूँ लेट स्टेज 3, stage 4, stage 5, उसमें जनरली जो एरिथ्रोपोएटिन डेफिशिएंसी होती है, इसलिए एरिथ्रोपोएटिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं. लेकिन उससे पहले एरिथ्रोपोएटिन भी तभी काम करेगा जब उसके लिए आयरन और विटामिन अवेलेबल हो. तो हम टाइम, ये आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से चेक करें कि आयरन डिफिशियंसी का या एनीमिया का कारण क्या है. कई बार आयरन डिफिशियंसी होती है, विटामिन डिफिशियंसी होती है, डाइट इतनी कमजोर है, कई बार ब्लड लॉस होता है. तो मल्टीपल कॉजेज रहते हैं, लेकिन अगर आप डाइट अच्छी लेंगे तो एटलीस्ट विटामिन की सप्लाई है अच्छी रहेगी. अगर ये सब चीज़ें करेक्ट हो गई हैं और फिर भी हीमोग्लोबिन कम है, तो चांसेस यही है कि आपकी एरिथ्रोपोएटिन डेफिशिएंसी है, तो उसका इंजेक्शन देना पड़ता है, खासकर डायलिसिस पेशेंट्स. सर, जैसे आजकल वाटरमेलन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, दिस इज द सीजन फॉर वाटरमेलन, तो जो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, इंक्लूडिंग डायबिटिक पेशेंट्स, ट्रांसप्लांट प्लस डायबिटिक, तो वाटरमेलन कितना ले सकते हैं, उनका कंजम्पशन का कोई? ट्रांसप्लांट पेशेंट्स नॉन डायबिटिक, नो रिस्ट्रिक्शन. ओके. ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाटरमेलन का थोड़ा ज्यादा रहता है, तो थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में लें. जो मैंने आपको 5 फ्रूट्स बताए थे, दोज आर द वंस, सेब, पपीता, अमरूद, नाशपाती, पाइनएप्पल, विदाउट एनी लिमिटेशन ले सकते हैं. सीमा, यू वांट टू ऐड समथिंग? या आई वुड लाइक टू एलैबोरेट मोर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी.
And again, there is no restriction, but no harm in seeing the reports if the potassium values are fine. Hey, for diabetic patients, diabetic glycemic. If the potassium values are fine, post-transplant, urine output is okay, sab kuch sugar thoda sa, iska glycemic index as compared to other foods, kaisa rehta? It can be taken 300 grams. 300 grams, se unhone bata diya. Dekhe, exact amount aapko mil gaya, ki 300 gram tak even diabetic patients le sakte. So the next question is SGOT and SGPT checkup related to cholesterol post-transplant? SGOT, SGPT, ये liver dysfunction के लिए और कुछ दवाइयाँ भी liver पे असर करती हैं, तो ये it is related to this. But all transplant patients should have a regular follow-up with their nephrologist. कई लोग मैंने देखा है कि transplant surgeon के पास जा रहे होते हैं, surgeon का काम तो पहले हफ्ते में खत्म हो जाता है, पहले महीने के beyond नहीं है. आपका nephrologist decide करेगा कि आपके लिए क्या medications कितने time पे देनी है. और कई लोग कहते हैं कि देखिए मैं खुद ही यूरिया क्रिएटिन करा लेता हूँ, सब ठीक तो चल रहा है, लेकिन अगर आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आपकी दवाइयाँ और कम करेगा. एंड द गोल इज फॉर अ ट्रांसप्लांट पेशेंट इज टू कीप यू ऑन मिनिमम इम्यूनोसप्रेशंट्स, यानी कम से कम इम्यूनोसप्रेशंट्स, और वो हर एक के लिए थोड़े अलग होते हैं. उसके हम लेवल्स भी चेक करते हैं टाइम टू टाइम, टैक्रोलिमस लेवल्स आप जानते होंगे, आप भी चेक करते हैं. तो आपका ट्रांसप्लांट पेशेंट्स का रेगुलर फॉलोअप, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस में देखूं कि जो कौन से लोग सबसे अच्छा लॉन्ग टर्म फॉलोअप में रहा है, तो ये वही लोग हैं जिनका रेगुलर फॉलोअप इन नेफ्रोलॉजिस्ट रहा है. कुछ लोग जो कई लोगों को चेक नहीं कराते, फिर छह महीने बाद साल बाद आते हैं, अरे हमारा तो क्रिएटिनिन बढ़ गया, इट इज ऑफन टू लेट. आपने हर नियमित रूप से नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाए, वो आपको बताएंगे, शुरू में ज्यादा फ्रीक्वेंटली और बाद में कम फ्रीक्वेंटली, बट यस लाइफ लॉन्ग चेकअप, लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन तो लेनी ही पड़ेगी. सर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो अभी जिन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया है, आई गेस नवंबर में ही ट्रांसप्लांट हुआ है, तो शी इज आस्किंग कि हम जैसे वो आरओ का पानी उबाल के ले रही हैं, तो कैन शी टेक डायरेक्टली द आरओ वाटर? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. बहुत सारे पेशेंट्स तो मैंने देखा बिस्लरी की बॉटल्स से पी रहे होते हैं. देखिए, उबला हुआ पानी इज परहैप्स एज गुड एज एनी अदर वाटर इन आवर कंट्री, क्योंकि आरओ से भी बेटर मैं बॉइल्ड वाटर को मानता हूँ. क्योंकि देखिए, जब भी चीज बॉइल करते हैं तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वायरसेस जितने हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. दैट इज द सेफेस्ट फॉर्म. अगर आपके यहाँ आरओ नहीं भी है, तब भी अगर नलके का पानी भी ले रहे हैं और उसको उबाल रहे हैं, प्रॉब्ली एज गुड. अच्छा, अगर आरओ का डायरेक्टली भी ले रहे हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट आई एम सेइंग स्टिल कि आई वुड रेट बॉइल्ड वाटर बेटर देन आरओ वाटर. ओके सर, जो आपने इम्यूनिटी बूस्टिंग फैक्टर्स बताए थे, दैट इज द फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स, आलमंड, ये पोस्ट ट्रांसप्लांट भी सेम है, राइट? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन. पोस्ट ट्रांसप्लांट तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं ना, राइट? कोई भी सीड जरूर इनकॉर्पोरेट करिए. अगर आप ओट्स खा रहे हैं, ये सीड्स ओट्स में डाल दीजिए नाश्ते में, या फिर किसी भी तरह खाने में, कहीं भी इनको जरूर. तो आप मेलन सीड्स वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं, चिया सीड्स, आलमंड, फिर तो आप फ्री हैं खाने के लिए. कोई भी नट्स खाइए, कोई भी चिया सीड्स वगैरह, या कोई भी सीड खाइए, राइट? सर, एक रिक्वेस्ट और थी, जो आपने अभी बताए थे फ्रूट्स जो हमें खाने चाहिए पोस्ट ट्रांसप्लांट, जो बात कर रहे थे, कैन यू प्लीज रिपीट दोस नेम्स अगेन? नहीं, देखिए, नॉन डायबिटिक के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सिर्फ फ्रूट्स की क्लेनलीनेस पे है. पहले दो महीने में हम थोड़ा सा पेशेंट, फर्स्ट मंथ में हम लोग कोई रॉ फ्रूट्स और सैलड्स अलाउ नहीं करते पेशेंट्स को, क्योंकि आपके इम्यूनो सप्रेसेंट लेवल्स हाई हैं. एक महीने के बाद हम छूट दे देते हैं कि आप अच्छी तरह धो के मोटा छिलका छील के खा लें. और बियॉन्ड सिक्स मंथ जब आप मिनिमम इम्यूनो सप्रेसेंट्स पे आ जाते हैं, कोई फ्रूट्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं है. डायबिटीज वाले पेशेंट्स के लिए जो अनलिमिटेड फ्रूट इनटेक है, एप्पल, सेब, पपाया, पपीता, अमरूद, नाशपाती, पाइनएप्पल, इसके अलावा सीमित मात्रा में, जैसे सीमा जी ने बोला, थोड़ा बहुत तो आप ले ही सकते हैं. एंड ऑल्सो मॉनिटर योर शुगर्स, हमें शुगर से ज़्यादा वो परेशानी रहती है, और थोड़ा बहुत पोटेशियम. अगर आपका किडनी फंक्शन नॉर्मल है तो पोटेशियम इज नॉट अ बिग इशू. For the diabetic patients. इसके अलावा list is open for the post-transplant patient, जहाँ पे कि हमें hygiene का ध्यान रखना है,
फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना है और अपने वैल्यूज का ध्यान रखना है जो कि ऑलमोस्ट सही हो चुकी होगी. ओके मैम, वेरी इजी टू फॉलो. ओके सो मैम, व्हाट अबाउट सब्जा सीड्स? सॉरी मैम, देयर इज अ क्वेश्चन, प्लीज चेक ऑन सब्जा सीड्स. शिबानी मैम, सब्जा आई थिंक कुछ एरर है इसमें. डॉक्टर, इट्स द बेसिल सीड्स जो होती हैं, सब्जा जो आपके फलूदा में डलता है, दैट इज स्वेल्ड अप हो जाती हैं मॉर्निंग में. अगर आप डालें पानी में 5 मिनट्स में, दे जस्ट स्वेल्ड अप. सब्जा सीड्स होती हैं जो आप फलूदा में, इनफैक्ट हम सब यूज करते हैं. कस्कस आई थिंक. फॉर व्हिच पेशेंट वी आर टॉकिंग? फॉर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स. ट्रांसप्लांट. You mentioned seeds are absolutely fine for us, so tab aap seeds also can be taken kyunki koi restriction nahi hai. Unko saaf rakhe thoda, agar unko wash kar sakte hain aur sukha ke le sakte hain. I mean, jaise Seema ji ne kaha, hygiene factor important reh jata hai seeds mein. Yes sir, yes sir. कई बार होता क्या है, ओवरनाइट हम सोक करते हैं और उसके बाद अगर प्रॉपरली वॉश नहीं करते हैं तो भी एक बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि हमको इन्फेक्शन कैच कर ले, जैसे जनरली स्प्राउट्स के साथ होता है. तो कोई भी चीज अगर डिप भी करें तो अच्छे से उसे क्लीन वाटर से 2-3 बार धोएं और फिर खा लें. Sir, after, so there's a question. After 11 years of transplant, the creatinine is stable between 2.7 to 3. So yeah. Patient is asking, please guide on liquid intake and protein and potassium diet. देखिए, 2.5 to 3 एक chronic kidney disease वाली criteria में आ जाते हैं. So आपके blood test करने पड़ेंगे. Generally liquids का formula ये रहता है, जितना आपको urine बन रहा है, swelling नहीं है तो उतना तो आप safely ले सकते हैं. यानी कि कोई किसी का 2 liter urine बन रहा है तो 2 liter liquids तो ले सकते हैं. बाकी देखिए, ये this is a very specific question. हमें आपके biochemical parameters study करने पड़ेंगे. और ऐसे ऑल ट्रांसप्लांट पेशेंट को क्लियरेंस नहीं है. प्लीज नोट, मैंने कहा कि जिनका क्रिएटिनिन नॉर्मल है, और नॉर्मल क्रिएटिनिन ट्रांसप्लांट पेशेंट का होता है 1.3. 2 इज नॉट नॉर्मल, 2.5 इज सर्टेनली अ हाई क्रिएटिनिन. सो यू हैव टू बी कॉशियस. आपको थोड़ा सा सुपरविजन चाहिए अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से. ओके सो इफ द यूरिक एसिड इज मोर, व्हाट डाइट वी शुड टेक? देखिए, यूरिक एसिड जनरली नॉन वेजिटेरियन डाइट से ज्यादा आता है. एग, फिश, चिकन और या फिर पल्सेस बहुत हाई हैं. तो ये भी अगेन, अगर थोड़ा सा अगर किडनी फंक्शन बाय एंड लार्ज नॉर्मल है, आपको डायबिटीज नहीं है और कोई सिम्टम्स नहीं है यूरिक एसिड के, जॉइंट प्रॉब्लम्स नहीं है, तो बहुत ज्यादा उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है. लेकिन हाँ, अगर आपको डायबिटीज है तो यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है. हाई ब्लड प्रेशर है फिर भी यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखना जरूरी है. तो आई थिंक अगेन अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क करें, ही विल टेल यू. गूगल पे मत जाएं प्लीज, क्योंकि गूगल पे आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल गूगलिंग इंफॉर्मेशन नाउ. राइट, देखिए, मेडिसिन इज नेवर लर्न, नेवर प्रैक्टिस ऑन गूगल. हम लोगों ने मोस्ट, अगर किडनी स्पेशलिस्ट कोई बनता है तो ही हैज पुट इन अबाउट 10 इयर्स ऑफ हिज यू नो लाइफ टाइम स्टडी, एंड वी हैव टू अडैप्ट बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, ऑल्सो बेस्ड ऑन आवर लिटरेचर सर्च ट्रेनिंग. सो जो आप, तो the doctor tells you all this, the nutritionist tells you all this based on their, you know, years of training and experience, which is never there in Google. Okay. So what? बहुत ज़्यादा ना बढ़े. Yes, weight is very important. Weight very is true. Very important. Right. Right. Drink enough water. So these are very very important aspect. Or sometimes we actually again the googling we do a lot and we take very high protein diet. So these can also be the factor. So again, recommendation is that meet your specialist and decide what is to be done. Can we have the last question now, because we have some patients waiting. Patient wait कर रहे हैं कोई अगर. Sure, sir. बाकी. So there's a question which is the person is asking that after 8 years of transplant, what is an ideal tech level? Tacrolimus level. देखिए, ऐसा है कि again, please talk to your nephrologist. But generally, lower tac levels रखते हैं. और टैक लेवल भी एक ऐसी चीज है, इट हैज टू बी ऑप्टिमाइज्ड. आई वुड से कि रफ फिगर इज 4 to 5, बट फिर भी अपने वो कौन से मेथड से हो रही है टैक लेवल, वो भी एक तो टैक्रोलिमस लेवल में भी बहुत टेक्निकलिटीज हैं. 2-3 मेथड्स होते हैं, कौन से मेथड से हो रही है. ज्यादातर लैब्स इसको करने में सक्षम नहीं है, एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं आती है हमारा. तो हम लोग बहुत
एक लैब की वैल्यू टैकलिंग वैल्यू मेथड उनका अलग है, दूसरे लैब से फर्क होता है, तो फॉलो वन लैब व्हिच योर नेफ्रोलॉजिस्ट इज कंफर्टेबल विद. ओके सर. I have just one question from doctor. Doctor, since you have shared such amazing things today, I just want to ask, after this lockdown, how would be the new normal for us, for the transplant, for dialysis patients, since we are on immunosuppressants? Like, baakiyon ke liye to phir bhi I see people running, doing everything, but I have not done it because my doctor told me that you should stay at home. Which we have been doing. तो हमारे लिए अब आप कैसे बताते कि the new normal हमारे लिए क्या होगा? देखिए ऐसा है कि I think it is going to be for all of us. Certainly transplant patients have to be more cautious. और एक वो हम बोलते हैं universal precautions. तो अगर इस pandemic ने कुछ चीजें हमें सिखाई हैं तो उनमें सबसे important रहा है कि hand washing. ठीक है, आप अपना हाथ अच्छी तरह धोएं, mask का इस्तेमाल करें. जिन लोगों को खांसी जुकाम है, जो आपको हम पहले भी करते आ रहे हैं, बट यू हैव टू बी मच मोर कॉशियस. किसी को खांसी जुकाम है तो उससे दूरी मेंटेन करें, ये पहले भी करनी चाहिए थी, लेकिन ये पेंडेमिक ने हमें रीएम्फसाइज कर दिया है. और जैसे कि अभी सीमा जी ने बहुत अच्छी तरह बताया, आपकी डाइट, एक्सरसाइज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्मोकिंग, इन सब चीजों से. स्मोकिंग आई थिंक इज प्योर पॉइजन, खासकर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए भी. तो अगर कोई धूम्रपान कर रहा है तो आई थिंक उसको, और अपने अपने लिए कुछ टाइम निकालें, मेडिटेशन, योगा करें. अगर ये करेंगे तो आई एम श्योर कि यू विल स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी. एंड एक और ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए, आई थिंक इट वॉज नॉट रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, वो चीज़ हम लोगों ने जिक्र नहीं करी, वैक्सीनेशंस की. मैं अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से टच में रहें और वैक्सीनेशंस अपनी कंप्लीट करें. ओके सर, वील off with this. Thank you so much for the day and answering for all the questions. We have understood a lot of things. I guess baaki sare logon ke bhi bahut sare doubts clear ho gaye honge aaj ke session ke liye. But if in case agar hamare paas aur bhi koi questions hain, and I would really request you if you could connect some other time if there are enough questions. But yes, thank you so much for the day. Thank you so much for your time. Okay. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.